दोस्तों, जिसके नाम में ही रस है वो शहर है बनारस। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है बनारस, जो वक्त के साथ चलकर भी रुकासा महसूस होता है, जिसकी पहचान होती है गंगा नदी से। यहाँ का बनारसी पान हो या बनारसी साड़ी या फिर यहाँ मिलने वाले मीठे और तीखे पकवान, सभी को समेटे हुए बनारस में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। बनारस के सफर पर आज आपको बताते हैं इस शहर से जुड़ी कुछ अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें, जिन्हें जान आपकी बनारस की यात्रा करने की इच्छा और बढ़ जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गंगा नदी के तट पर बसे बनारस को शिव की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस शहर को भगवान शिव ने बसाया था। काशी नगरी कहलाने वाला बनारस भारत का सबसे पुराना और पवित्र शहर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। बनारस न सिर्फ मंदिरों का शहर है, बल्कि ये सभ्यता की कहानी को बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों से भी पुरानी है। इस शहर का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यहाँ के शाही परिवार का इतिहास भी काफी शानदार है। काशी पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद कई शाही परिवारों ने काशी के आसपास बसेरा बना लिया था, जिसमें से एक था महाराष्ट्र का पेशवा परिवार। इस शाही परिवार में जन्मी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम बनारस के घाट मणिकर्णिका के नाम पर रखा गया था। बनारस एक ऐसा शहर है जहां आपको अनगिनत मंदिर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म के सबसे पवित्रतम शहरों में से एक है बनारस। ये वो जगह है जिसे मोक्ष प्राप्ति का केंद्र कहा जाता है। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर मर जाता है या काशी में उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और अटूट विश्वास ये है कि यहाँ बहने वाली पवित्र गंगा नदी में अगर डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ स्थित घाटे हैं, इसलिए इसे घाटों का शहर कहा जाता है। जहाँ पर लगभग 100 घाट हैं, जिसमें हरिश्चंद्र घाट, दशसुमेर घाट, मरकंडिका घाट, आशी घाट आदि प्रमुख हैं। बनारस की सुबह अलौकिक है, क्योंकि इस समय सूर्य की रोशनी गंगा और घाटों को गजब के सौंदर्य से भर देती है। सुबह सुबह घाटों पर नावों की सवारी पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। सुबह जितनी खूबसूरत होती है उससे कहीं ज्यादा रंगीन होती है शाम, जब गंगा के किनारे हरी पीली रोशनी में नहाए घाटों को देखने का मौका मिले और गंगा के बहते पानी को देखकर सुकून मिले, तो ऐसी शाम कौन नहीं देखना चाहेगा। इस शहर के करिश्मे से आपको पक्का प्यार हो जाएगा और एक बार वहां जाकर आपको वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। बनारस को गलियों का शहर भी कहते हैं, जहाँ की हर गली अपने आप में खास है। अगर आप बनारस जाएं तो आपको यहाँ पुराने घर और हर चार कदम पर एक छोटा सा मंदिर देखे जाएगा। इस शहर की गलियों में भटकते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए, क्योंकि घर भी एक जैसे होते हैं और मंदिर में रहने वाले हनुमान और भोलेनाथ भी। फिर भी इस शहर की हर एक बात निराली है। वैसे तो बनारस अपने घाटों, गंगा आरती और मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन बनारसी खाने का भी कोई जवाब नहीं। यहाँ भारत के करीबन हर राज्य का पारंपरिक भोजन मिल जाता है। इसकी वजह यहाँ हर राज्य से आने वाले श्रद्धालु और उनके लिए बनाए गए कुछ खास घाट हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर है इस शहर का खान पान। कोई गली कचौड़ी जलेबी के लिए प्रसिद्ध है, तो कोई मलाइयों के लिए, कहीं रसमलाई तो कहीं चटपटी चाट। बनारस के बारे में बताते हुए अगर यहाँ की गंगा आरती की चर्चा न की जाए तो यहाँ की शाम अधूरी बन जाएगी। जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी आते हैं वो है गंगा आरती। काशी के दशाश्वमेघ घाट पर होने वाली इस आरती का सौंदर्य देखते ही बनता है। आरती के शुरू होते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है, हवा में अलग सी खुशबू फैलने लगती है और आरती के दीपक रोशनी बिखेरने लगते हैं। आरती चाहे तो घाट पर बैठकर देखी जा सकती है या फिर नाव में बैठकर। वाराणसी सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। एक महत्वपूर्ण शहर होने के साथ साथ बनारस शिक्षा का भी मुख्य केंद्र है। यहाँ 4 बड़े विश्वविद्यालय भी हैं, जिनमें से काफी फेमस है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बनारस में 2 दर्जन से ज्यादा वैदिक विद्यालय हैं, जिनमें दाखिला लेने वाले छात्रों का हर दिन गंगा के तट पर योगाभ्यास, फिर वेद और शास्त्रों की पढ़ाई और शाम को आरती के साथ दिन खत्म होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना रहा है। इस कला ने न सिर्फ यहाँ जन्म लिया बल्कि यहीं विकसित भी हुई। इस शहर ने भारत और विश्व को कई महान विभूतियां दी हैं, जिनमें कबीर, रविदास, स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद आदि शामिल हैं। इन सबके अलावा बनारस आयुर्वेद और योग के प्राचीन चिकित्सा विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। एक और बात जो बनारस को बहुत खास बनाती है वह है यहाँ का पान। बनारस का पान पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जिसका जिक्र शायद आपने कई बार सुना होगा। बनारसी पान के पत्ते का स्वाद काफी अलग है। यहाँ कत्था भी अलग किस्म का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही पान में कच्ची सुपारी डाली जाती है। ये चीजें बनारसी पान को बहुत स्पेशल बनाती हैं। बनारस के नाम पर लोकप्रिय बनारसी रेशम साड़ी यहाँ की शान है, जिसे सदियों से भारत की बेहतरीन साड़ियों में से एक माना जाता रहा है।
ये साड़ियाँ बारीक बुनी हुई रेशम से बनती हैं और जटिल डिजाइन से सजाई जाती हैं। बनारस में रेशम पैदा नहीं किया जाता है, बेंगलुरु और चीन से रेशम के धागे मंगाए जाते हैं। उन धागों से खूबसूरत साड़ियाँ बनाने का हुनर लेकिन बनारस के बुनकर ही जानते हैं। बनारस में एक बात आपको काफी पसंद आ सकती है, यहाँ आपको प्लास्टिक के कप ग्लास काफी कम दिखाई पड़ेंगे, बल्कि शहर में ज्यादातर दुकानों और ठेलों पर मिट्टी के कुल्हड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि यहाँ लस्सी, रबड़ी, चाय और कॉफी तक कुल्हड़ों में दी जाती है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक में पैक दूसरी चीजें अब भी बड़ी मुसीबत बनी हुई हैं। हर साल बनारस में एक अजीब रिवाज का पालन किया जाता है, जिसे सुन आपको हैरानी हो सकती है। इस रिवाज के तहत यहाँ हर साल अश्वमेघ घाट पर बारिश के मौसम में मेंढकों की शादी कराई जाती है। पंडित मेंढकों की शादी के सारे अनुष्ठानों को पूरा कर मेंढकों को नदी में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको बनारस कैसा लगा हमें बताएं, और अगर आप बनारस नहीं गए हो तो हम कहेंगे आपको वहां एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।